नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों से हुए रूबरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमजन ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ राज्य से सीधी बातचीत हुई। सिरसा के गाँव सुखचैन के किसान सुखदीप सिंह से हुई बातचीत। सुखदीप को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिला था 1 लाख रुपए का क्लेम। मात्र 12 रुपए सालाना प्रीमियम देकर के करवाया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा। उनके साथ एक दुर्घटना हुई और उसमें उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। सुखदीप ने प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत में बताया कि सिरसा वासियों से मेरा पुराना नाता है। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर गणेशी लाल के उड़ीसा राज्यपाल बनाए जाने के बारे में भी जिक्र किया। आप देख रहे हैं सुरेंद्र भाटिया के साथ अमर सिंह जानी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। देश भर में लाभार्थियों से राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में प्रधानमंत्री ने सीधी बातचीत की। छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों से सीधी बातचीत की शुरुआत की और सिरसा के लघु सचिवालय स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र में गाँव सुखचैन के सुखदीप सिंह से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत की। सुखदीप सिंह को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए का क्लेम मिला था। दुर्घटना में सुखदीप की एक आंख चली गई थी, उसकी रोशनी चली गई थी। मात्र 12 रुपए में बीमा करवाया था उन्होंने। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सुखदीप सिंह से बातचीत करते हुए सिरसा से अपने पुराने नाते के बारे में जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में सिरसा के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर गणेशी लाल को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए जाने और उनकी नियुक्ति का भी जिक्र किया। सुखदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री से सीधे संवाद में उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने बताया कि बेल के सिंह लगने से उनकी एक आँख खराब हो गई और उस आँख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। दुर्घटना के 1 माह बाद ही उसे बीमे का क्लेम मिल गया था। 1 लाख रुपये यह क्लेम मिला था। उन्होंने कहा कि वह पहले भी लोगों को बीमा योजना का लाभ के लिए प्रेरित करते रहा है और अब प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करूंगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बना रहे, जिससे संकट के समय वो मजबूती के साथ खड़े रह सके, जीवन से हार न जाए। हाँ बताइए भाई, हरियाणा। सत श्रीकाल जी, मैं सुखदीप सिंह। मुझे बैल ने मेरे आंख में चोट मार दी जी, सिंह लग गया। अच्छा, चश्मा इसलिए बनाया आपने? हाँ जी, एक आंख में चोट लगी हुई है जी। और मेरा पहले से ही 12 रुपये और 330 रुपये वाला बीमा करवाया था। मेरे पूरे परिवार का बीमा हुआ है जी। मुझे 1 लाख रुपए की राशि 1 महीने बाद मिल गई। यानी आपको इंजरी के कारण आंख आपकी एक चली गई। हाँ जी, उसके कारण आपको बीमा के तहत आपको 1 लाख रुपए मिल गया। हाँ जी, और आपके अगल बगल वालों को भी पता होगा। हाँ, मैं बहुत आदमियों का बीमा करवाया है हमने, ये बताकर मेरे। और इसके कारण आपको इस संकट की घड़ी में उपचार कराने में वगैरह में सुविधा नहीं होगी। हाँ जी, मैं लास्ट में पूरा पैसा खर्च किया हुआ है जी। अच्छा, डॉक्टर क्या कहते हैं, सुधार की कोई संभावना कहते हैं या कहते हैं? हाँ जी, अब आंख में है। हाँ जी, सुधार की कोई संभावना डॉक्टर बताते हैं कि बताते हैं? नहीं नहीं, अभी तक कोई नहीं है, हो भी नहीं सकती जी। अच्छा, काफी इंजर्ड हो गया। हाँ, ज्यादा चोट लगी थी जी। चलिए, आपने इस हिम्मत के साथ इस सारे संकट को झेला और मैं आपके चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना जब मुसीबत आती है तो आदमी जिंदगी में रोता रहता है, लेकिन आप बड़े हिम्मत वाले हैं और मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर वो ताकत नजर आती है मुझे। बहुत अच्छा काम आपने किया। मुझे खुशी हुई, आप सबको बताते हैं, सबका बीमा लेने के लिए काम करते हैं। देखिए, ये समाज सेवा है। या आपको तो परमात्मा ने तकलीफ दी, लेकिन आप तकलीफ से समाज को सुविधा देने के काम में लगे। मैं सिरसा के लोगों को, मैं सिरसा पहले बहुत आया करता था, मैं भली बात सिरसा से परिचित हूँ और हमारे गणेश लाल जी तो उड़ीसा के गवर्नर बन के गए हैं सिरसा से। हाँ सर,
चलिए, अच्छा लगा मुझे आज सिरसा वालों से मिलने का मौका मिल गया। आइए हम हरियाणा में कहीं और आपसे बात करेंगे। धन्यवाद जी। हमें बहुत अच्छा लगा ये सीधा प्रधानमंत्री से लाइव बात करके। हमें और उन लोगों को भी इसके लिए जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन, सभी योजनाओं के बारे आज चर्चा हुई है। हमारी भी लाइव बात हुई है, बहुत अच्छा लगा ये हमें पीएम साहब से बात करके। क्या आप लोगों को और भी जागरूक करेंगे? हाँ, हम पहले भी जागरूक कर रहे हैं और आगे भी बहुत जागरूक करेंगे। सभी योजनाओं के बारे में हम बताएंगे। हमें भी इस योजना का लाभ मिल चुका है, इससे पहले हम आने वाले समय में सभी लोगों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति ज्योति जीवन बीमा योजना से सभी लोगों को करवाने चाहिए। बहुत कम प्रीमियम में ये बीमा होता है। आपका क्या था, दुर्घटना कैसे हुई? मेरी आँख पे चोट लगी थी, खेत में बैल ने सींग लगा दिया था आँख में, उसके लिए मुझे 1,00,000 रुपये का बीमा मिला हुआ है। ये आज का प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ने किया है, उसमें जो उनकी सुरक्षा बीमा योजनाएं हैं 3-4, उनका फीडबैक लेने के लिए तमाम देश के लोगों से बातचीत कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और LIC इसमें बहुत एक्टिवली जुड़ी हुई है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं इस योजना के शुरू करने में पहले से भी शामिल था। ये एक सुरक्षा बीमा योजना जिसका कि इंट्रैक्शन यहाँ सुखदीप जी हैं सिरसा के, इन्होंने प्रधानमंत्री जी से किया। हमारे भी जीवन ज्योति योजना के वरिष्ठ व्यय वंदना योजना के भी 10-12 लोग बैठे हुए अंदर जो लाभार्थी है इसके, लेकिन क्योंकि समय कम है प्रधानमंत्री की बात है, एक एक सेंटर में एक एक स्कीम के एक एक बेनिफिशरी से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा क्योंकि सभी लोग भी देख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से के साथ बात करने का कितने लोगों को मौका मिलता है। अगर कोई लाभार्थी करता है तो अपने गांव, देहात, शहर में, मोहल्ले में वो बताएगा लोगों को कि मैं प्रधानमंत्री से मिल के आया हूँ और ये योजना इसका कारण रही है, तो अवश्य ही इसका अधिक प्रचार तो होगा ही, क्योंकि किसी तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और ये लाभार्थियों से सीधे बात की जाए तो जागरूकता तो बढ़ती है। मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाया था मेरे हस्बैंड ने 1995 में, और उससे 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई अचानक हार्ट अटैक से, तो मुझे उससे 2,00,000 रुपये का उससे क्लेम मिला। आज प्रधानमंत्री सीधी बातचीत के साथ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। हमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए इतना जो कर रहे हैं, जिससे हमें जाने वाले की कमी तो पूरी नहीं होती, लेकिन उससे आर्थिक रूप से बहुत हेल्प मिलती है जो हमारे काम आता है।